नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अब हम बात करते हैं संकलन का महत्व। संकलन का महत्व क्या है, तो इसके भी मुद्दे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैसे मैंने लेसन में सभी क्लियर किया है एक एक पॉइंट को, फिर भी संकलन का महत्व यहाँ मैं बता रहा हूँ। पहला, संकलन का महत्व है आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण, ये प्रभावशाली बनते हैं, ये पहला महत्व है। दूसरा महत्व है निर्धारित उद्देश्यों को सिद्ध किया जा सकता है। तीसरा मुद्दा आता है कि समय के मध्य संतुलन बनाए रखने का काम भी करता है, समय के मध्य संतुलन बनाए रखने का काम भी करता है। चौथा, विविध विभागों में संवादिता का काम भी करता है। और पांचवा, समस्त कार्य सरल हो जाते हैं। और छठा, अगर कोई कार्य बाकी है तो वो इसमें बाकी नहीं रहता है और किसी भी काम का पुनरावर्तन नहीं होता है। यह है संकलन का महत्व। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहला है आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण प्रभावशाली बनते हैं। दूसरा, निर्धारित उद्देश्यों को सिद्ध किया जा सकता है। तीसरा, समय के मध्य संतुलन बनाया रखा जा सकता है। चौथा, विविध विभागों में संवादिता बनी रहती है। पांचवा, समस्त कार्य सरल हो जाते हैं। और छठा, कोई भी काम बाकी नहीं रहता है और कोई भी कार्य का पुनरावर्तन भी नहीं होता है। मानव संसाधन संचालन का महत्व समझाइए। नंबर एक, इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नंबर दो, इकाई के लाभ में वृद्धि होती है। नंबर तीन, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। नंबर चार, गुणवत्ता के स्तर को ऊंचा बनाकर रखती है। नंबर पाँच, कर्मचारियों की संतुष्टि में वृद्धि होती है। नंबर छः, कर्मचारियों के परिवर्तन दर में कमी आती है। नंबर सात, साधनों का अधिक से अधिक उपयोग हो सकता है। नंबर आठ, कर्मचारियों में समूह भावना का विकास होता है। नंबर नौ, औद्योगिक शांति का वातावरण बनता है। अब बात करते हैं हम वित्तीय संचालन के कार्य क्या है। तो पहला काम है वित्त। वित्त मतलब धन, धन की आवश्यकताओं का अंदाज लगाना। दूसरा काम, समय के अनुरूप धन का आयोजन करना। नंबर तीन, अंदाज पत्र बनाना। नंबर चार, आय का वितरण करना। नंबर पाँच, पूंजी प्राप्ति स्थानों का चयन करना। नंबर छः, प्राप्त किए गए धन का उपयोग योग्य रूप से हो ये देखना। और नंबर आठ, वित्तीय नीति बनाना। नंबर नौ, कर ढांचे का आयोजन करना। और नंबर दस, संपत्तियों की व्यवस्था करना। यह है वित्तीय संचालन के कार्य। तो आज का जो प्रश्न है, मुद्दे अनुसार जो सात प्रश्न थे, मैंने सातों के जवाब आपको दिए हैं। विद्यार्थी मित्रों, अच्छे से इनको सुनना, पढ़ना और नोट डाउन करना। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।